पाकिस्तान सर्दियों के शदीद लपेट में है। सर्दियों में मोस्टली वायरल डिजीज बढ़ जाती है। हम वायरल डिजीज से कैसे बच सकते हैं, इसका क्या हल है, आप ये मेरी वीडियो अभी देखें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर मजीद है। सर्दी की शिद्दत बढ़ने के साथ साथ वायरल डिजीज भी बढ़ जाती है। हम अपनी बॉडी को इन वायरल डिजीज से कैसे बचा सकते हैं, इसका यही हल है कि हम ऐसी फूड इस्तेमाल करें जो कि हमारी इम्यूनिटी को बूस्टअप कर दें या मुदाफ़त के निज़ाम को और मजबूत करें। तो चंद ऐसी गिज़ाएँ और एहतियाती तदाबीर हैं जिनके इस्तेमाल से हम अपनी बॉडी में अपने मुदाफ़त के निज़ाम को बेहतर कर सकते हैं। नंबर वन, हमें चाहिए कि सर्दियों में हम सिट्रस फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। सर्दियों के मौसम में मुख्तलिफ रंग बिरंगे फ्रूट्स मौजूद हैं जिसमें किन्नू और ऑरेंज भी हैं। कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि इनके इस्तेमाल से गला ख़राब हो जाता है, लेकिन अगर आप इनको अच्छी तरह धो लें और अपने हाथों को भी धो लें अच्छी तरह इस्तेमाल करने से पहले, तो इनमें विटामिन सी की एक भरपूर मिकदार होती है। इसके मुतबादल के तौर पर आप जो है ना अमरूद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अमरूद में विटामिन सी की भरपूर मिकदार होती है, और ये विटामिन सी आपके मुदाफ़त के निज़ाम को बेहतर करता है और आपको फ्लू, इन्फ्लुएंजा और बाकी वायरल डिजीज से बचाता है। नंबर टू, आप सर्दियों के मौसम में यखनी भी इस्तेमाल करें। कुछ लोग सूप्स को भी प्रेफर करते हैं, ये मज़ेदार भी होता है और के साथ साथ आपकी बॉडी के निज़ाम मुदाफ़त के निज़ाम को भी बेहतर करता है। नंबर थ्री, ये देखा गया है कि सर्दियों में हम लोग पानी बहुत ज़्यादा कम इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन होती है। जब आप पानी कम इस्तेमाल करेंगे तो हमारी बॉडी में वायरल टेस्ट के जो चांसेस हैं ये भी बढ़ जाता है। तो हमें चाहिए कि हम सर्दियों में 8 से 10 गिलास वगैरह इनको भी बाकायदगी से इस्तेमाल करें। नंबर फोर, एग्स या अंडों का इस्तेमाल, ये एक बहुत अच्छी प्रोटीन है और हमें अपनी बॉडी में प्रोटीन को भी मेंटेन रखना है, क्योंकि हमारी बॉडी में जितने भी डिफेंस मैकेनिज्म हैं या डिफेंस प्रोटीन्स हैं, ये जो कि हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बढ़ रही हैं, तो इन्हें प्रोटीन मिकदार में चाहिए होती है। तो एक सर्दियों में रोज़ाना अंडे का इस्तेमाल आपकी बॉडी के मुदाफियत को निज़ाम को बूस्टअप भी करता है। सर्दियों में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मौजूद हैं, आप इन वेजिटेबल्स को सलाद के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप इनको सूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्दियों में एक बेहतरीन नींद का लेना भी हमारी बॉडी के नॉर्मल फंक्शन के लिए बड़ा ज़रूरी है। तो जो स्लीप साइकिल है आपका 6 से 8 घंटे का, आप इसको भी मेनटेन रखें। सर्दियों में ये भी देखा गया है कि जो एल्डरली पेशेंट्स हैं, जो हमारे जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं, तो उनमें ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है, तो उनमें फालिज के अटैक्स भी बढ़ जाते हैं। तो हमें चाहिए कि सर्दियों के मौसम में मल्टीपल लेयर्स कपड़ों का इस्तेमाल करें, गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें, अपने सर को भी ढांपें और हम स्वेटर, जर्सी, मल्टीपल लेयर्स में भी हम इनको इस्तेमाल वगैरह कर सकते हैं। हमें चाहिए कि सर्दियों में अगर हम आउटडोर एक्टिविटी पर नहीं जा सकते, एक्सरसाइज नहीं कर सकते, तो हमें इनडोर 30 से 35 मिनट अपनी एक्सरसाइज करनी चाहिए और अपनी बॉडी को वार्म अप करना चाहिए। सर्दियों में जो हमारी स्किन पे जो वेसल्स होती हैं ये श्रिंक कर जाती हैं और खून का जो दबाव है वो इंटरनल वेसल में बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। सर्दियों में आप अगर डायबिटिक हैं या ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं, तो आप अपनी शुगर और ब्लड प्रेशर को रेगुलरली उसको मॉनिटर करें और अपनी अद्वियात का इस्तेमाल बाकायदगी से करें और उन पर दावा ना होने दें। सर्दियों में कुछ लोग फ्लू का भी शिकार हो जाते हैं या उनको इन्फ्लुएंजा भी होता है, तो हमें चाहिए कि सर्दियों के इस मौसम में हम फ्लूस के अगेंस्ट जो वैक्सीन हैं उसको भी लगवा लें, वो जो पेशेंट डायबिटिक्स हैं या हार्ट डिजीज़ के पेशेंट्स हैं, या वो लोग जिनको बार बार मजमे में जाना पड़ता है या क्राउड्स में जाना पड़ता है, उन्हें भी वैक्सीन लगवानी चाहिए। आप सर्दियों में अपने हाथों को बार बार साबुन से धोएं, मजमे में जाने से ग्रेज करें और मास्क का इस्तेमाल करें। तो इन एहतियाती तदाबीर के अख्तियार के हम सर्दियों में वायरल डिजीज से बच सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।